बिस्मिल्लाहिर्रहमान वहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ तवा बर्गर, जो कि जिसकी रेसिपी बहुत ही ईजी है और आप इसे घर में आसानी से बना सकते हैं। तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स आई है उसके बारे में आपको बता देती हूँ। तो उसके लिए हमें चाहिए होंगे दो बन, एक आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च, के अंदर हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। आप चाहें जितनी मर्जी ऐड कर सकते हैं, हम इतनी ऐड कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, एक अंडा, एक टमाटर, एक प्याज, एक शिमला मिर्च और आधा खीरा। आप चाहें ज़्यादा ले सकते हैं, हमने इसलिए कम ली है क्योंकि इसमें इतना ही ऐड करेंगे हम। और मायोनीस, तो चलिए आपको बनाना दिखाते हैं किस तरह बनाते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम सब्जियों को काट लेंगे। सबसे पहले हम खीरे को काट लेंगे, आप देख सकते। तो गाइस, हमने बर्गर को डेकोरेट करने के लिए इसलिए इसका इस तरह के स्लाइस काटे हैं ताकि ये खूबसूरत लगे। और अगर अब हम मसाला बनाएंगे उसके लिए हम इस तरह काटेंगे। साइडों से भी आप इसे काट लें। तो गाइस, अब हम टमाटर को काट लेते हैं, इसी तरह की कटिंग करेंगे, आप देख लें। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमने खीरे को भी दो शेप में काटा है और हम टमाटर को भी दो शेप में काटेंगे। जो गोल गोल शेप्स हैं ये हमने डेकोरेशन के लिए इस तरह पीसीज में काटा है, और जो पीसीज हैं छोटे छोटे इसको हमने मसाले में ऐड करने के लिए इस तरह काटा है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखें, हम लोगों ने प्याज भी काटना स्टार्ट कर दिए हैं और अब हमने प्याज को भी काट लिया है और अब हम शिमला मिर्च को काट रहे हैं। इस तरह के पीसीज से आपने इसे काटना है। गाइस, हमने शिमला मिर्च काट ली है और आपने इसकी कटिंग ऐसे ही काटनी है। हमने इसमें चूल्हे पे पैन रख दिया है और अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। अब इसमें सारी सब्जियां ऐड कर लें। तो गाइस, हमने सारी सब्जियां ऐड कर ली हैं और अब हम इसे हाफ फ्राई करेंगे। हमने इसमें खीरा और बड़े बड़े पीसीस खीरे के और बड़े बड़े पीसीस टमाटर के ऐड नहीं किए क्योंकि वो हमने डिज़ाइन के लिए रखे हैं। तो गाइस, हमारे पास छोटे छोटे चिकन के पीसीस थे, हमने उसको बॉईल किया था और वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो गाइस, आपने अपनी सब्जियों को इतना फ्राई नहीं करना, हाफ़ फ्राई करना है वरना इसका सारा टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो गाइस, हमने इसमें थोड़ा सा पानी का टच किया है और अब हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे। गाइस, मैं इसके ऊपर पहले से ही थोड़ी सी मायनीज दे दूंगी, फेंक दूंगी ताकि इसका ना टेस्ट अच्छा आए। तकरीबन एक चम्मच ऐड कर दे, बाकी हम बाद में ऐड करेंगे। गाइस, हमारी हाफ फ्राई सब्जियां हो चुकी हैं, अब इसमें थोड़ा सा अंडा ऐड करेंगे। एक अंडा ये हमने ऐड कर दिया। गाइस, आप इसकी लुक चेक करें, कितनी प्यारा खूबसूरत लग रहा है। तो गाइस, अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे। तो गाइस, हमारा मसाला फुल तैयार हो चुका है, ये बहुत खूबसूरत इसमें से खुशबू आ रही है, हमने इसे चूल्हे से उतार लिया है। गाइस, आप इसे देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो गाइस, हमने ना तवा चूल्हे पे रख दिया और ये गर्म हो चुका है, अब हमने इसमें ऑयल ऐड करना है, फिर हमें अपने बन को गर्म करेंगे। तो गाइस, हम इसे अब बन को गर्म कर रहे हैं। तो गाइस, हमने बन को गर्म कर लिया, फिर इसमें हम चीज़ें डालते हैं सारी। तो गाइस, सबसे पहले जो हमने मसाला बनाया था वो हम इसके ऊपर अब लगाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप इसकी लुक देखें, कितनी खूबसूरत है। अब हम इसमें मायोनीज लगाएंगे। मायोनीज हम लगा चुके हैं और अब हम इसमें टमाटर और ये अब हम इसमें सब्जियों की कोटिंग करेंगे। इसे आप खूबसूरती से सजाएं।
हम इसकी खूबसूरती के लिए थोड़ा और मसाला ऐड। गाइज आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसके ऊपर दूसरा बन लगा देंगे। तो गाइस हमारा तवा बर्गर बिल्कुल तैयार हो चुका है। माशाल्लाह आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी आपको रेसिपी पसंद आए मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और इस तवा बर्गर को ज़रूर अपने घर में बना के चखिएगा, क्योंकि ये बहुत मज़े का बनता है और आपके ख़ानदान में आपकी बहुत तारीफें होंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।